साथ देंगे। हम उसी तरह से गांधी जी ने जिस तरह हिंसात्मक आंदोलन का और असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था, कोई एनपीआर नहीं होने देंगे। आप लोग की आवाज लगाइए, कोई एनपीआर नहीं होने देंगे, कोई एनआरसी नहीं होने देंगे, किसी कंटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगे। आखिरी बात सिर्फ ये कहकर खत्म करता हूं कि 19 तारीख को हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया था। दिल्ली में हमारे तमाम साथी एहतजाज करते हैं, सब पकड़े गए। भाइयों, कोई थाने में इनके पास जगह नहीं बची थी, कोई जेल में इनके पास जगह नहीं बची थी। किसी को इन्होंने भावना स्टेडियम में रखा था, किसी को इन्होंने इंदर रोड के स्टेडियम में रखा था, किसी को इन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम में रखा था। सवाल यह है कि जिस दिन हम एक बार घर से निकल गए तो आपके पास जेलों में जगह नहीं बची। जिस दिन हम ऐलान कर रहे हैं कि हम कोई पेपर नहीं देंगे तो कितने डिटेंशन सेंटर आप बनाएंगे, कोई पेपर नहीं देंगे कितने डिटेंशन सेंटर आप बना सकते हैं, क्या आप 25 से 30 करोड़ लोगों को कोई पेपर नहीं देंगे, एनआरसी का पूरा बहिष्कार करेंगे और जो लोग शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे, ये लड़ाई उनके लिए जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। ये फिर जनाब नदीम खान साहब जो कई अहम बातों पर हमसे बात करके गए, हम कभी भी खड़े नहीं हुए, जैसा आप फरमा रहे थे बिल्कुल सही बात, लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि हम अपनी जात पर जुल्म सह सकते हैं, आज खड़े हुए हैं, संविधान पर जुल्म हुआ है, इसलिए ये बताने के लिए मुसलमान खुद सब सह सकता है, इस मुल्क को जख्मी नहीं होने दे सकता, इसलिए आज खड़े हुए हैं। और रही बात एनआरसी, एनआरसी नहीं मिल सकते अमित शाह की और ना ही मोदी की, क्योंकि जब एनआरसी लागू होगा तो वो भी तो मशहूर को लाएंगे, ये वो भी तो कागज था, मैंने शुरू में कहा था तो वो प्रधानमंत्री की सीट से इस्तीफा दे, अमित शाह जी अपनी सीट छोड़े, पहले अपने कामकाज दिखाएं, उसके बाद फिर जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाया है उनसे कहें कि तुम्हारा वोट तो बेकार था, इसलिए तुम इस मुल्क के नागरिक थे ही नहीं, तो ये तो बेवकूफी की बात है। बहरहाल अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जनाब उमर खालिद साहब को, या फरार से बात करेंगे उसके बाद और ये हमारा प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ दुआ होगी, आप हजरात से सुकून का माहौल बनाकर रखने की दरख्वास्त। अभी बात करने जो मैं आने वाला था तो बताया गया कि मेरे नाम को लेकर पुलिस में बहुत अफरा लग रही थी और बाद लोगों को बोला हल्का हाथ रखिएगा। हाथ तो हम हल्का ही रखते हैं, काश आप लाठी भी हल्की रखते हैं। हम काम करते हैं तो हो जाते हैं, पर काम वो खत्म भी करते हैं लेकिन चर्चा नहीं होती। अपमान को जो है मौजूद है और जहां भी मुझे सुन सकते हैं, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों, बहनों और तमाम लोगों को मेरा तमाम सलाम, आप तमाम लोगों का अधिकारी इस्तकबाल। निजामुद्दीन के लोग और हम भी निजामुद्दीन की दरगाह में रूहानी सुकून के लिए आते थे, लेकिन आज हम तमाम लोग यहाँ देश को बचाने के लिए मौजूद हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई में भी हमको उतना ही रूहानी सुकून मिल रहा है और आज ये लड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई हमारे देश का है। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, जो कल से खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश से आसपास से दिल को दहला देने वाली है। इतने सारे लोगों की मौत, हजारों लोग गिरफ्तार, कई मेरे अपने दोस्त जिनको गिरफ्तार कर दिया है, हाथों पे चार्जशीट लगा दिए, जेल भेज दिया है, जिसमें बुजुर्ग शामिल है, औरतें शामिल है, ऐसी माएं शामिल है जिनके बच्चे अकेले हैं। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं कि उन तस्वीरों को जो देख रहे हैं, आधी सारी तस्वीरें तो आ भी रही है तो इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन जितना कुछ आ पा रहा है बस इतना ही पूछना चाहते हैं, तुझे कितनों का लहू चाहिए, ऐसे वक्त कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितना खून बहेगा, कितना खून बहाएंगे ये लोग, उसके बाद जाके उनके दिल को सुकून मिलेगा।
किसान जिनको मारा गया, ऐसे लग रहा है कि सस्ती जान हो गई है हमारी। असम में 5 लोग मारे गए, कोई चर्चा नहीं होगी उनके बारे में क्योंकि वो असम से आते हैं। 20 से ऊपर मुसलमानों को मार दिया गया, कोई चर्चा नहीं होगी उसके बारे में। एक चैनल है भी यहाँ जी न्यूज, देखा ये रात में क्या बताएगा। कोई चर्चा नहीं करेंगे ये लोग किसने मारा। अच्छा जी सलाम। अच्छा इनका काम है दलाली, इनका काम है देश को बेचने। इनका काम है देश को बेचना और इनका काम है झूठ बोलना। ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि इनको 2000 रुपए के नोट में चिप मिल जाता है। कितने सत्य हैं और देश के प्रति कितने समर्पित हैं वो तो आप उससे ही जान सकते हैं कि इनके जो एडिटर इन चीफ है वो बेल में छूटे हुए हैं, तिहाड़ जेल में रहकर आते हैं। ये दिखाएंगे आज रात में, आज शाम में दिखाएंगे, शायद उन पर चर्चा भी करें, शायद हमारे चेहरों पे गोल गोल घुमाए और बोले ये तमाम लोग एक बार फिर से शामिल हो गए आपको डराने के लिए। वो बोलेंगे कि हम आपको डरा रहे थे। अरे हिंदुस्तान के लोगों को कोई नहीं डरा सकता। अगर आज डर किसी में है, और जेएनयू के एक शायर थे उन्होंने बोला था कि वो डरते हैं जो हुक्मरान है वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? वो डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और कमजोर लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आज देश के निहत्ते और कमजोर लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया है, उनकी दलाल मीडिया से डरना बंद कर दिया है। आज जितने लोग सड़कों में मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं। आज एनआरसी लाया जा रहा है, सीएबी लाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लाठियां चलाई जा रही है, गोलियां बरसाई जा रही है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर इस चीज का है वो इस बात का है कि 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि कौन नागरिक है वो एक कागज तय करेगा, और कौन शरणार्थी है और कौन घुसपैठी है वो आपका मजहब तय करेगा। 72 साल से बार बार हमसे हमारी वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्या दें, क्या करें जो आप हमको वतन परस्त मांगेंगे? ये बोला जाता है कि 47 में पाकिस्तान मिल तो गया, ले तो लिया, हम क्या चाहते हैं? तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान वो एक्सीडेंटली मुसलमान नहीं है, बाय चॉइस मुसलमान है। बोला गया कि आपके धर्म के नाम पे आप एक देश बना है, उस देश में चले जाइए, वहां मुसलमानों के लिए देश बनाए। उन तमाम लोगों ने बोला कि हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं एक ऐसे देश को जिस देश की आजादी के लिए हमने जद्दोजहद करी, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान शहीद करी, और आज जब ये देश आजाद हुआ है तो आप बोल रहे हैं कि देश छोड़कर चले जाओ। 2 दिन पहले दिल्ली गेट में लाठियां बरसाई गई, बहुत बुरा सीन था वहां, बच्चों को मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, खून बहाया गया। लेकिन याद रखिए ये पहली बार नहीं है दिल्ली गेट पर खून बहाया जा रहा था। में जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, आजादी की लड़ाई पहली बगावत हुई थी, उस बगावत को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर के बच्चों को और देश के और उस पुरानी दिल्ली के तमाम लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने उनका वही खून बहाया था। लेकिन वो अंग्रेजी हुकूमत उनका खून जरूर बहाई, लेकिन उसके बावजूद उनके हौसलों को नहीं दबा पाई। अब क्या वतन परस्ती का
मांगेंगे। जिस लाल किले पे हम 19 दिसंबर को पहुंचे थे वहां से देश की सारी विरासत और सारी शहादत को बचाने के लिए, तो वही लाल किला है जहां 1857 में देश के हर कोने से लोग निकलते अमित शाह जफर के पास पहुंचे थे और बोला आप हमारी अगुवाई कीजिए अंग्रेजी हुकूमत का हम बगावत करेंगे। जिस जामा मस्जिद पे पिछले 2 दिन से लोग मौजूद हैं और पिछले साल मुझे याद है कि कुछ लोगों ने यहाँ रैली निकाली थी, कुछ हिंदू परिषद के बोल रहे थे राम मंदिर निर्माण की रैली है, उस रैली को उन्होंने नारे लगा रहे थे एक झटका और दो जामा मस्जिद तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे तुम उस जामा मस्जिद को जब उसी 1857 की लड़ाई के बाद पहली बार किसी ने साजिश करी थी उस बाबरी मस्जिद को तोड़ने की, वो अंग्रेजी हुकूमत ने करी थी। उन्होंने करी थी, उनको पता था, उन्होंने बोला था कि वतन परस्त लोग इस जामा मस्जिद में जमा होते हैं और हमसे लड़ने का आजाद हिंदुस्तान का सपना देखने की जरूरत करते हैं, इसलिए जामा मस्जिद को तोड़ देना चाहिए। 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने कहा, लेकिन जब वो अंग्रेजी हुकूमत उस जामा मस्जिद को नहीं तोड़ पाई तो ये अंग्रेजों के दलाल तक पड़ेंगे। तो अंग्रेजों के दलाल हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट अगर मांगे तो आप तमाम लोग आपको बोलिएगा इस देश का गद्दार अगर कोई है तो वो इंसान है जो नाथुराम गोडसे को देशभक्त बोलता है। गोडसे के यारों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हमसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों के पास लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बोला जाता है और ये बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि जामिया के अंदर देश विरोधी काम होते हैं। इनको बताना चाहेंगे आजादी की लड़ाई में जब गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजी जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उन तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी का बहिष्कार कीजिए, अपनी कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए, आजाद भारत में हिंदुस्तानियों का तालीम के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो जामिया मिलिया इस्लामिया थी। आजादी की लड़ाई में हम लोग खून बहाए हैं, आजादी की लड़ाई में हम लोग जेल गए हैं। और एक बात मान लीजिएगा नरेंद्र मोदी साहब, जब जामिया मिलिया जेल गए थे बाहर नहीं गया, नहीं देंगे कोई पेपर। हम खारिज करते हैं आपके एनआरसी को, हम खारिज करते हैं आपके सीएबी को, एनडीआर को। देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और देश के आर्थिक सवालों से ध्यान भटकाना यही नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का पिछले 5 साल का अजेंडा रहा है। बोला गया पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज किया जाते होंगे कि हिंदू खतरे में है, तो नरेंद्र मोदी साहब मैं भी मानता हूँ हिंदू खतरे में, जरा खतरे का नाम बदल दिया, खतरे का नाम तो बोलते हैं अमित शाह। एनआरसी सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, एनआरसी सिर्फ और सीएबी सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, एनआरसी और सीएबी इस देश के साथ सबसे बड़ा पाखंड है, इस देश के हर नागरिक का विरोधी की रही है। ये हिंदू विरोधी है, ये ईसाई विरोधी है, ये सिख विरोधी है, हर नागरिक का विरोधी है। एक बात बताइए, अमित शाह साहब ने जाकर पहले से देखे चले जाएंगे, पिछली बार मस्जिद देखी गए थे कपड़ों से पहचान मिलती तो उनको, और अब खुद सोचिए जब एनआरसी और सीएबी आया तो पहली खबरें हमको आसाम से आ रही, वो तो आप पहचान थे किसको हिंदू मुस्लिम नहीं बना पा रहे। उन्होंने उधर से इशारा किया कि कपड़ों से पहचान मिली और शाम तक जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लाठीचार्ज हो चुका। मुझे उनको लगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया पर लाठीचार्ज करने के बाद ये मुसलमान नेता बन जाएगा, तो एक दिन में 22 यूनिवर्सिटी उनके साथ खड़ी हो। फिर उनको
लगा कि मोदी का हमला करने से एक डिजाइन है, इस डिजाइन को समझिए, उनको अगर यूनिवर्सिटी का हमला करने से यूनिवर्सिटी का सेंटीमेंट बन जाता है, सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जहां मजदूर रहते हैं, जहां काम करने वाले मेहनतकश लोग रहते हैं, मेहनतकश मुसलमान रहते हैं, बिहारी के मजदूर रहते हैं, जमीनापाल, उन्होंने वहां हमला किया। उसके बाद उन्होंने दरियागंज और दिल्लीगंज पर हमला किया। तो आप उनकी साजिश देखिए, वो देश इस शहर के 3-4 इलाकों को टारगेट करके उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी अपील उन तमाम और इलाके वालों से है कि आइए हमारे साथ खड़े होंगे। इस आजादी की लड़ाई में हमने साथ में खून बहाया था, अशफाकुल्ला खान और राम मिसाल बिस्मिल ने साथ में मिलकर शहादत दी थी। यही हमारी सारी शहादत है, सारी विरासत है। आइए एक बार और जो बांटने का काम सदी में किया जा रहा है, किस बात का पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान में सब लोग कानून के सामने बराबर है, आज उस चीज को बदला जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदला जा रहा है, अशफाकुल्ला खान और राम मिसाल बिस्मिल की सारी शहादत पे हमला किया जा रहा है। हम सबको साथ आना पड़ेगा, उन तमाम इलाकों को साथ आना पड़ेगा। आज मुसलमानों पर हमला है, जितनी एकता पिछले कुछ दिनों में दिखी है उतनी एकता पिछले 70 साल में हिंदुस्तान के अंदर तरक्की को सिद्ध होकर मिली। बोला कि अशफाकुल्ला खान और राम मिसाल बिस्मिल आपस में बात कर रहे थे परसों, अशफाकुल्ला बिस्मिल बोले मोदी है जो मुमकिन है।